दोस्तों नमस्कार। SPL स्पेशल चाय ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, बाद में घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। आज की कहानी का टॉपिक है लाला की चतुराई। एक बार लाला जानकी दास अपनी दुकान बंद करके अपने घर से आज जा रहे थे। लाला का पोर्ट्रेट मकान था, वह भी देहात पे था। वैसे तो लाला जानकी दास को रोज ही देर हो जाती थी, आज और भी अधिक देर हो गई थी। रास्ते में अकेले लाला जा रहे थे तब उनको चार चोर मिल गए। उन्होंने लाला को रोक कर पूछा, कहिए लाला जी, आज दिन भर की लूट का कितना माल है? लाला ने उत्तर दिया, भाई आज कल तो बिल्कुल भी दुकानदारी नहीं है, एकदम सन्नाटा है, सुबह से शाम तक यों ही बैठना पड़ता है। दूसरे चोर ने कहा, इसलिए इतना देर में दुकान बंद करके आए हो? लाला जी बोले, प्रातः से ही आज बोहनी नहीं हुई थी, सोचा था सबकी दुकान बंद होने के बाद ही कोई ग्राहक आ जाए। फिर चौथे ने कहा, बकवास बंद कर, बता तेरे पास क्या है? इतने में ही उसने ऐसे एक चोर ने कहा, लाला जी कुछ अपनी तरफ देखो और कुछ इस स्थान की तरफ देख लो। इतनी सुनकर लाला की जेब में 20 रुपये थे, वह चुपचाप निकल कर दे दिए। तथा थैले में सब्जी थी, वह भी चोरों ने ले ली। लाला जी खाली हाथ घर आए चले आए। उधर सेठानी बैठी थी कि लाला जी आ रहे, आ जाएं तभी सब्जी बनाई जाए। इधर लाला जी की खाली हाथ देख कर सेठानी का गुस्सा और तेज हो गया। तब सेठ जी ने अपनी बीती सुनाई। यह सुनकर SPL लाइव लर्निंग या स्पेशल चाय ऑर्गेनाइजेशन भारत की समाज सेवी संस्था है, जो गरीब लोगों की सहायता करती है, घर बैठे पैसे कमाने का तरीका सिखाती है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक रजिस्ट्रेशन फार्म भरना है। रजिस्ट्रेशन फार्म भर दोगे तो आप घर बैठे पैसे कमाने का तरीका सीख जाओगे। हमारे साथ जुड़ने का, हमारा नाम योगेंद्र उपाध्याय है और मेरा फ़ोन नंबर 6397184477 है और मेरी स्पॉन्सर ID 12 44 है, जो हमारी स्पेशल चाय ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है और उसको कोई काम नहीं करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो आप पैसे कमाने का तरीका सीख जाओगे। ज़्यादा जानकारी के लिए इस लाइव लर्निंग की सभी वीडियो को बारी बारी से देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाद में घंटी वाला बटन दबाना न भूलें, क्यों आपको हर वीडियो आपके पास में पहुंचाई जा सके। आज की कहानी का टॉपिक इतना ही है, समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, बाद में घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। जय श्री राम।